लाइन कस्टमर का एक चार्जर आए हैं, एक जूम चार्जर, तो इनका चार्जर बंद हो गया था और बहुत गंदगी था और हमने हॉट गन से ब्रूश से सफाई कराए और जो बीमारी था वो हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे चार्जर पंखा भी चल पड़े हैं, पंखा चल रहा है और यहाँ पर चार्ज भी कर रहा है, 60 पे चार्ज कर रहा है, इसलिए बैटरी हमारा पहले से ही चार्ज हुआ पड़ा है और एसी लाइट भी जल रहा है और यहाँ पर बैटरी वाला बिलिंग वाला भी जल रहा है दोनों। और सबसे बड़ी बात है मैं यहाँ पर जूम करके दिखा दूँ, ये 15 एम्पियर पे चार्ज कर रहा है, 15 एम्पियर पे चार्ज कर रहा है और वोल्टेज चला गया 56 पे चला गया है, 56.1 पे ये बढ़ रहा है 2.2, तो देखा गया चार्ज बढ़िया कर रहा है। अब्दुल इबी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं जैसे क्लाइंट कस्टमर का एक चार्जर आए हैं, एक जूम चार्जर हमारे पास बनने के लिए, ढक्कन देना। और स्टूडेंट हेलो, इधर आ जाओ, तीनों के तीनों इधर आ जाओ। लंबू कहाँ है हमारा, वो कहाँ गया? तो देखा गया एक जूम चार्जर आया है बनने के लिए हमारे पास, धूल मिट्टी से भरा हुआ था, तो हॉट गन जो होता है उससे हमने ईयर मार दिया है साफ सफाई करके। इसका जो काम है बेसिक काम उसको किया जा रहा है और बाकी देखेगा हमारे स्टूडेंट मेरे सामने ही है। तो आप लोगों के सामने काम करा जाता नहीं करा जाता है, इसलिए देखेंगे प्रैक्टिकल नहीं करूंगा और आप लोग प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे बनाते हुए, तो देखा गया सीखेंगे क्या। कहाँ है स्टूडेंट? तो आप देख सकते हैं जो चार्जर अभी बनने के लिए आया था, तो देखा गया ये बना दिया है। तो जैसा आप देख सकते हैं जैसे हमारे पास एक जूम चार्जर जो बनने आया था वो हमारा स्टूडेंट को साथ में ले तो है, हमने बनाया है। पंखा भी खराब था, टूटा हुआ पंखा दिखाइए, इनका जो टूटा हुआ पंखा था ये वाइब्रेट कर रहा था और गंदगी बहुत था, हमने इसको भी बदल दिया है और बाकी जो बेसिक काम वगैरह देखेगा हमने वो भी कर दिया है। और बाकी इसको बनने के बाद एक डिलीवरी देने के टाइम भी एक ट्राई लिया जाता है। आधो कस्टमर मेरे साथ बैठा हुआ है, हवा बहुत तेज फेंक रहा है और ओरिजिनल जो पंखा होता है वही लगा दिया हमने कंप्यूटर वाला। तो देखेगा अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जो मैं जूम करूँगा तो आपको पता लग जाएगा, ये 15 एम्पियर पे चार्ज कर रहा है और यहाँ पर डीसी वोल्टेज 56.2 पे चला गया है और ये एम्पियर मीटर है। तो कहने वाली बात है आपको भी प्रैक्टिकल काम सीखना है तो दिया नंबर पर कॉल करिए, ज्वाइन करिए और अपना एक बेस्ट कैरियर बनाइएगा। देखिए इस टाइम पे कितना तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ी बढ़ चुका है, ई रिक्शा, और हमारे जो स्टूडेंट आप लोग होते हैं प्रैक्टिकल काम में से काम सीखते तो अच्छा लगता है। तो मेरे साथ क्लाइंट कस्टमर जुड़ा रहता है, चार्जर कंटेनर मोटर ये देखा गया, यहाँ पर जूम करूंगा तो आप देख सकते हैं जैसे मोटर भी भरा जा रहा है, तो देखा गया ये भी दिखा देंगे हम। कहने वाली बात है जब आपका एक काम सीख जाते हैं तो अपना एक करियर बन जाता है और अपना पैसे कमाने का एक जरिया मिल जाता है। तो बैठा रहने से कोई फायदा नहीं है, घर से निकलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा, तभी जाके कुछ जिंदगी में तरक्की कर पाएगा। तो देखा गया मैं स्टूडेंट कस्टमर से मिलता हूँ, तो आपका चार्जर ही था ना ये उस्ताद, तो आपको वीडियो अपलोड कर दूं, कोई वो तो नहीं है? देखा गया अब बढ़िया चल रहा है ना, और ये इधर बिलिंग भी कर रहा है और ये एम्पियर भी बिल्कुल टनाटन है और बिल्कुल मजा साहब चल रहा है पंखे के साथ। तो देखा गया आप काम से खुश है ना, कार्ड दे दिया दुकान का और 10 भाई को भेजेंगे ना, काम बढ़िया मिलेगा तभी तो भेजेंगे, चाहे मैं करूं चाहे मेरा स्टूडेंट करे। आप चाहते हैं मेरा काम बढ़िया से हो जाए, देख सकते हैं आप पंखे का पेज भी हमने नया लगा दिया, आपके सामने की बात है ना, तो क्वालिटी मांगता है आगे वाला, पैसे 2 पैसे कम और ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, काम की क्वालिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने आपके सामने जो काम हमने करा है पूरा साफ सफाई के साथ क्वालिटी के साथ करा है, नहीं करा है तो मेरा मुल्क में जो भाई लोग वो आ सकता है ना काम सीखने के लिए, इसलिए प्रैक्टिकल दिखेगा तभी तो वो सीखेगा। तो आप लोग जो क्लाइंट कस्टमर हमारा भाई है आप काम लेके आते हैं, जैसे अभी कंट्रोल खराब हो जाएगा तो लेके आएंगे, मोटर खराब हो गया तो लेके आएंगे, तो यही चीज सीखने के लिए मिल जाता है उन लोगों को, सबसे बढ़िया रहता है, इसलिए काम प्रैक्टिकल निभा रहा है तो तभी तो सीख रहा है। तो देखा गया आप भी आइए, दिया नंबर पर कॉल करिए, ज्वाइन करिए और अपना एक बेस्ट करियर बनाइए। मैं डिलीवरी दे देता हूँ, जुड़ा रहिए वीडियो के साथ।
तो मेरा क्लाइंट भाई को, कस्टमर भाई को मैं डिलीवरी दे रहा हूँ, ठीक है, ले जाइए और बढ़िया से चार्ज करिए, और जो कि बाकी कुछ भी हो, कंट्रोलर मोटर कार तो दे दिया, अब कॉन्टेक्ट करिए, हमारा स्टूडेंट भी बनाएगा, हम भी बनाएंगे, तो आप लोगों से ही बनता है काम, ठीक है, धन्यवाद। अब वीडियो में देख सकते हैं, जैसे एक्जूम चार्जर बनने के लिए जो आया था, उसके साथ साथ और एक चार्जर बनने के लिए आए हैं, तो चार्जर जब है, दोनों चार्जर एक साथ में मैंने वीडियो में डाल दिया है, उठा दिया है, तो देख सकते हैं क्लाइंट कस्टमर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, तो इनका चार्जर बंद हो गया था और बहुत गंदगी था, और हमने हॉट गन से, ब्रूश से सफाई कराए, और जो बीमारी था वो हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, इसलिए देखा गया आप लोगों को जब प्रैक्टिकल काम करने के लिए मिल जाता है तो देखा गया एक कारीगर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो देखा गया मैं क्लाइंट से जुड़ता हूँ, कस्टमर से, तो आपका शुभ नाम क्या है? तो ये चार्जर आपका ही है ना, खराब हो गया था ना, आप लेकर आए बैठे हैं, तो क्लाइंट कस्टमर के सामने ही हम बना रहे हैं, और आयरन सोल्डर करके ही बनाएंगे, इसलिए प्लास का जो लपटा हुआ काम, लूज फिटिंग, वो हम करते नहीं है। तो देखा गया जब आप क्लाइंट कस्टमर का माल आते रहता है और जब आप बनाते हैं तो एक कारीगर बनते हैं और रोजी रोटी कमाने का, एक पैसे कमाने का, अर्निंग कमाने का एक जरिया मिल जाता है आपको। दुनिया कितना तेजी से इलेक्ट्रिक में फैल रहा है, तो देखा गया हमारा मुल्क में तो काम बहुत है, करने वाला नहीं है, मुल्क में काम बहुत है, काम करने वाला नहीं है। जब आप काम सीख जाते हैं तो आपसे एक घर परिवार चलाने के लिए, एक रोजगार कमाने के लिए एक सहायता मिल जाता है आपको, जब आप काम सीख जाते हैं। तो दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, ज्वाइन करिए और अपना एक बेस्ट कैरियर बनाइए प्रैक्टिकल काम सीखने के बाद। तो देखा गया, वीडियो के साथ जुड़ा रहिए, देखते हैं वीडियो एंड तक, चार्जर को चालू करके भी हम इसी वीडियो में दिखा देंगे, वीडियो के साथ जुड़ा रहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे चार्जर, पंखा भी चल पड़े हैं, पंखा चल रहा है और यहाँ पर चार्ज भी कर रहा है, 60 पे चार्ज कर रहा है, इसलिए बैटरी हमारा पहले से ही चार्ज हुआ पड़ा है, और एसी लाइट भी जल रहा है, और यहाँ पर बैटरी वाला, बिलिंग वाला भी जल रहा है दोनों। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पर जूम करके दिखा दूँ, ये 15 एम्पियर पे चार्ज कर रहा है, 15 एम्पियर पे चार्ज कर रहा है, और वोल्टेज चला गया 56 पे चला गया है, 56 पे, 0.1 पे ये बढ़ रहा है, 2.2, तो देखा गया चार्ज बढ़िया कर रहा है, और बाकी देखेगा फिनिशिंग के साथ, बस डब्बा पैक कर दूंगा। और देखा गया यही काम आप जब प्रैक्टिकल आंखों के सामने अपना हाथ से करते हैं तो एक कारीगर कहलाते हैं। वीडियो लंबा नहीं करूंगा, एक ही वीडियो में दोनों चार्जर का हमने वीडियो डाल दिया है, अब देख लीजिए। और बाकी देखा गया, आपको सोच बदलना पड़ेगा, और सोच जब बदलेंगे तभी एक घर से निकल के आएंगे और अपना हाथ से प्रैक्टिकल काम सीख के जाएंगे, अपने गांव में, शहर में दुकान खोल के अपने एक रोजी रोटी का बंदोबस्त करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें, आने वाला जितना भी वीडियो आप तक पहुंच जाए, और ये वीडियो अपलोड होते रहता है आप लोगों को मोटिवेट के लिए। तो क्लाइंट से पूछता हूं, आप तो बैठे हैं, आपके सामने तो काम हुआ है ना, तो सफाई के साथ काम हुआ है ना, इसलिए फिनिशिंग सफाई के साथ ही काम करना पड़ेगा, तभी आप और 2 भाई को भेजेंगे, 10 भाई को भेजेंगे, यही बात होता है ना। आपने कार्ड भी ले लिया है मेरा, इसलिए मेरा शॉप पे क्लाइंट कस्टमर जुड़ा है, तभी जाके मैं क्लाइंट कस्टमर माल लेके आते हैं आप लोग, तब मेरा स्टूडेंट को काम दे पाता हूँ अपना हाथ से करने के लिए। ये सेटअप चल रहा है, ये सेटअप तैयार हो रहा है अभी, यहाँ पर कम से कम 15 स्टूडेंट एक साथ में बैठेगा और उस साइड में बैठेगा 4, तो कम से कम 19-20 स्टूडेंट एक साथ में बैठ के काम करेगा, प्लेस का भी तो जरूरत है, तभी तो हमने भाई ये बड़े दुकान लिया है। तो आप भी आइए और अपना हाथ से प्रैक्टिकल काम सीखे, एक लाइफ सेटल करिए, एक करियर बनाइए। तो वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आने वाले जितने भी वीडियो आप तक पहुंच जाए, धन्यवाद।